जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में इस टाइम ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काफी ज्यादा राजनीति चल रही है। हमारे देश के सारे न्यूज चैनल वाराणसी पहुंचे हुए ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तरीके अगर आप न्यूज चैनल खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है। दोस्तों जैसे बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, अब वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। अब दोस्तों ये ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर भी माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है। माहौल गर्म कर दिया भी गया है मीडिया द्वारा। याचिकाएं डाली जा रही है कोर्ट के अंदर। माहौल जमीनी स्तर पर गर्म कर रहे हैं। गांवों तक गर्म करा जा रहा है, शहरों में गर्म करा जा रहा है, पूरे भारत में गर्म करा जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, पर आखिर असलियत क्या है ये तो कोर्ट फैसला दे ही देगा। पर ये 1991 में एक कानून बना था कि जो पहले की चीजें बनी हुई है बाबरी मस्जिद को छोड़कर और जो राम मंदिर का जो विवाद था उसको छोड़कर, कोर्ट उस पर कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। अगर कोई ऐसी याचिका भी डालेगा, कोई ऐसे मुद्दे उठाएगा तो उन पर FIR दर्ज होगी। अब दोस्तों ताज्जुब ये बात हो रहा है, FIR की तो दूर की बात है, कोर्ट उनके ऊपर सुनवाई कर रहा है और आदेश भी दे रहा है। दोस्तों पर दोस्तों इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और सीधी की सीधी चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार, मोदी हुकूमत को दोस्तों चेतावनी दी है। आखिर क्या कहा है स्क्रीन पर देख ले। हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे, याद रखें। तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखें। तो आपने वीडियो में देख लिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं जैसे बाबरी मस्जिद को हमसे छीना, मोदी हुकूमत यानी भारत सरकार सुन ले, हुकूमत सुन ले, जैसे बाबरी मस्जिद को आपने हमसे छीना, हम ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने नहीं देंगे, खोने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है, बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया। सालों पुरानी बाबरी मस्जिद को बता दिया गया कि यहाँ पहले राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी थी। तो ये बड़े ही ताज्जुब की बात है, जबकि ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं हो पाया, ऐसा कोई भी निशान नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि यहाँ पहले राम मंदिर था, बाबरी मस्जिद बाद में बनी है। अब दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद पर भी ऐसा ही कवरेज की जा रही है, मीडिया की तरफ से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और आखिर का माहौल बनाने की पूरा मतलब माहौल बना दी भी दिया गया है। पर दोस्तों AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब खुलकर बोल रहे, उन्होंने कह दिया है जैसे बाबरी मस्जिद को हमसे छीना, वैसे ज्ञानवापी मस्जिद को छीनने नहीं देंगे। चलिए आपकी क्या राय मेरे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दी ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।